खरगोन जिले में खारक डूब प्रभावित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुआवजा राशि न मिलने की बात पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान डूब प्रभावित आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरे और लामबंद होकर जमकर नारेबाजी की। मीडिया से रूबरू डूब प्रभावितों ने बताया कि जीआरए द्वारा 2 जून 2018 को अवार्ड पारित करते हुए मुआवजा राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश की अवहेलना के साथ आज तक कोई राहत राशि न मिलने की दशा में लोगों को आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। डूब प्रभावितों ने पूरे मामले को लेकर 7 दिन में समस्या निराकरण की बात करते हुए भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। हमारी ये मांगे है, खारक बांध में जो डूब प्रभावित लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है तो उसको जीआरए में सुना जाए, तो जीआरए ने उसको मतलब पूरा मतलब आर्डर कर दिया है। 1 साल से मतलब उसका पूरा लोगों का आर्डर किया है, लेकिन आज तक उसकी राशि किसी को नहीं मिल रही और कोर्टों के उल्लंघन कर रही शासन। क्या चाहते हो? हम ये मतलब 129 लोगों का जो अपील बंद किया जाए और तत्काल इनका भुगतान किया जाए। 128 लोगों को जीआरए ने बिठाया है, उसका समय सीमा होना तो 3 महीना के अंदर इसका निराकरण होना चाहिए और 55 लोगों का तत्काल भुगतान किया जाए। ये हमारी मांगे है और अगर ये मांग नहीं मानते तो हम 7 दिवस पर हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, भूखहड़ताल पर परिवार समेत बैठेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।